बच्चों के विवाद को लेकर दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला है वाटोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां पैसे नहीं देने के विवाद को लेकर दो दोस्तों ने एक 19 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में एक और आरोपी होने का संदेह जताया जा रहा है। वही नए साल के आगाज के साथ ही ये साल की पहली हत्या दर्ज की गयी है। नए साल के आगाज के साथ ही पहली हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाटोड़ा थाना अंतर्गत दिगोरी परिसर में सोमवार की रात एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि 2000 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें तीन आरोपियों ने मिलकर उसे हथियारों से गोद कर हत्या कर दी। मृतक खरबे निवासी रोशनपुरी बताया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपियों में नवनाथ नगर खरबे निवासी अनमोल सुखरा मिश्राम और योगेश्वर नगर निवासी चेतन प्रदीप हरडे का समावेश है, जबकि उनका साथी पीयूष अब भी फरार है। अनमोल कार वॉशिंग सेंटर में काम करता है, रोशन कैटरिंग सर्विसेज में काम करता था। कई बार दोनों साथ में भी ऑर्डर पर जाते थे। करीब 2 वर्ष पहले रोशन ने अनमोल से 2000 रुपए उधार दिए थे। लंबा समय बीत जाने के बावजूद अनमोल ने पैसे नहीं लौटाए। रोशन बार बार उससे पैसे मांग रहा था। कई बार दोनों के बीच विवाद भी हुआ। सोमवार की रात 8 बजे के दौरान अनमोल, चेतन और पीयूष ने रोशन से मुलाकात की। बातचीत करने के बहाने उसे दिगोरी घाट के समीप योगेश्वर नगर में ले गए। वहां तीनों ने उस पर धारदार हथियारों से वार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही वाटोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी नूरुल हसन ने भी घटना का जायजा लिया। तुरंत 2 DB स्क्वाड को आरोपियों की तलाश में रवाना किया गया। पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पीयूष की तलाश जारी है। वाटोड़ा पुलिस थाने अपराध क्रमांक 23/22 सेक्शन 334 भादवी नोंद करण्यात आलेले आहे। त्याच्यामध्ये मृतक नामे रोशनपुरी याला त्याच्या मित्रांनी काल त्याची हत्या केलेली आहे। सेनापती नगर या ठिकाणी त्याची हत्या झालेली आहे। त्याचे मित्र 2 अनमोल मेश्राम वय 22 वर्ष आणि चेतन हरडे हे सेनापती नगरमध्येच राहणारे आहेत। या दोघांनी त्याच्या जुन्या पैशाच्या वादावरून, म्हणजे गेल्या 3 वर्षापूर्वी 2000 रुपये उसने घेतले होते, ते परत द्यायचे होते, ते परत दिले नाहीत, तो वाद झाला आणि त्याच्यामुळे त्यांनी मृतकाला मारलेलं आहे। याच्यामध्ये जे आपले फिर्यादी आहेत ते प्रत्यक्षदर्शी, त्यांनी ही घटना बघितली आणि त्यामुळे आम्हाला तात्काळ कळवलं। घटना 7:30 दरम्यानची आहे, त्या अनुषंगाने तात्काळ आपण आरोपी सुद्धा अटक केलेली आहे। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा है कि मृतक का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जो लड़की की मां को नागवारा थी, जिसके चलते लड़की की मां ने लड़के को मौत के घाट उतारने के लिए सुपारी दी थी। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।